वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम वीडियो देखने वाले हैं, वीडियो होने वाला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मतलब दोनों के बॉर्डर लगते हैं। और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो हेलीकॉप्टर है आर्मी का, उसको मतलब निशाना बनाया, और उसमें जो है वो ये काफ़ी न्यूज़ में भी आज खबर आ रही है। ये वही अफगानिस्तान है जिसको पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट किया, तो इस भरपूर सपोर्ट के बाद इनको क्या मिल रहा है ये तो हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो करते वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। कल रात को ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार गिरा दी गई है। अब नए प्रधानमंत्री बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ बनेंगे, जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। लेकिन पाकिस्तान के इसी पॉलिटिकल क्राइसिस का अब फायदा उठाने में जुटा हुआ है तालिबान। जी हाँ, वही तालिबान जिसे सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जी जान लगा दी, यहाँ तक कि वो दुनिया भर में बदनाम भी हो गया। लेकिन उसने तालिबान के लिए किसी की भी परवाह नहीं करी। अब वही तालिबान पाकिस्तान के गले का सांप साबित हो रहा है, जो लगातार उसे डसे जा रहा है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है, आप लोगों ने सुना होगा कि अब से दो दिन पहले अफगानिस्तान से सटी हुई पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान के कुछ हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे। इसी बीच तालिबान के लड़ाकों ने उन हेलीकॉप्टरों पर गोलीबारी शुरू कर दी, और बताया जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग भी हुई है। लेकिन अब हालात ये हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है, जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है, वहां पर हाई अलर्ट घोषित हो चुका है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तालिबान के लड़ाके बहुत ही हैवी पेट्रोलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की सीमा पर, उधर से पाकिस्तान की सेना ने भी हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है अफगानिस्तान की सीमा पर। और ऐसे में पाक सेना और तालिबान के लड़ाकों के बीच में मुठभेड़ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है बड़ी गोलाबारी भी हो जाए, जिसमें दोनों तरफ हैवी कैजुअल्टी भी हो। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि तालिबान पाकिस्तान पर हमला करके हासिल क्या करना चाहता है? तो बहुत कुछ। क्यों? क्योंकि अब से दो महीने पहले आपको याद होगा कि जो अफगानिस्तान से सटी हुई सीमा है ड्यूरन लाइन पर, पाकिस्तान की सेना ने वहां पर फेंसिंग करनी शुरू कर दी थी, यानी कि ताड़बंदी करनी शुरू कर दी थी, जिससे कि सीमा सील हो जाए। अब अफगानिस्तान की पहले की सरकार भी और आज जो तालिबान की सरकार है, सब ये कहते हैं कि ये ड्यूरन लाइन इल्लीगल है, हमारी जो जमीन है पाकिस्तान ने बहुत सारी कब्जाई हुई है, ऐसे में हम फेंसिंग नहीं करने देंगे। और उस समय भी पाकिस्तानी सेना को भगा दिया था तालिबान के लड़ाकों ने, और जो फेंसिंग थी उसे उखाड़ भी फेंका था। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारी जगहों पर फेंसिंग का काम पूरा कर लिया था। तो ऐसे में अब एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस का फायदा उठाकर यहाँ पर तालिबान बहुत सारी जमीन वापस लेना चाहता है पाकिस्तान से, और कई जगह ड्यूरन लाइन को उखाड़कर फेंकना भी चाहता है। और अगर कहीं पर पाकिस्तान की सेना पेट्रोलिंग करती है इन इलाकों में और तालिबान के लड़ाकों को रोकने की कोशिश करती है, तो ऐसे में उनकी भिड़ंत तालिबान के लड़ाकों से हो रही है, और इसीलिए ये गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में बढ़ेंगी, क्योंकि तालिबान के लड़ाकों का हौसला लगातार बढ़ रहा है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान की सेना उतनी भी मजबूत नहीं है, उन्हें पुश बैक किया जा सकता है, और इसीलिए भविष्य में पाकिस्तान और तालिबान के संबंध खराब होने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ चाणक्य जो बहुत समय पहले बात कह गए थे, वो भी सही साबित हो गई है। वो ये कि आपके दुश्मन देश का पड़ोसी हमेशा आपका अच्छा दोस्त बनेगा, आज नहीं तो कल ये होकर ही रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। वहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी बात है ये, क्योंकि एक तरफ भारतीय सेना उन पर प्रेशर बनाए रखती है, अब दूसरी तरफ से तालिबान भी उन पर हैवी प्रेशर बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना को दोनों तरफ डिप्लॉयमेंट करनी होगी, जिससे कि उनका ध्यान भी भटकेगा और भारत पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं रह पाएगा, जिससे कि वो कमजोर पड़ेंगे। और भविष्य में भारत के साथ उनका कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तो वो तालिबान की साइड जो सेना तैनात है उसे हटाकर भारतीय सीमा पर तैनात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने किया तो उधर से तालिबान के लड़ाके तुरंत एडवांस करना शुरू कर देंगे और बहुत सारी पाकिस्तान की जमीन कब्जा लेंगे।
ऐसे में पाकिस्तान की सेना बहुत ही ज्यादा बुरी फंसती जा रही है। हालांकि आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो दोस्तों, ये वीडियो है जो कि तालिबान पाकिस्तान में एक तो कब्जा करने के चक्रों में है और दूसरा पाकिस्तान को जो है वो मतलब आसिम का एक सांप बन चुका है, वही सांप जो कि डसता है वक्त आने पर और जिसको पाकिस्तान ने पाला। पाकिस्तान ने इनको गंदम दी तो उसमें इन लोगों ने कीड़ों का निकाल दिया कि भाई कीड़े हैं उसमें, वो गंदम खराब है, ठीक है। उसके बाद फिर इन लोगों ने ये बात बना दी कि भाई पाकिस्तान की ट्रक गए तो उसके ऊपर झंडे को फाड़ दिया, ज़मीन पे रगड़ा। खैर ये तो पहली बार नहीं है, काफ़ी बार हो चुका है और इससे हमें सीखना चाहिए बजाय इसके कि हम उनको सपोर्ट करें, ठीक है। और अब बात करते हैं ज़मीन के ऊपर। तो ज़मीन के ऊपर हम देख रहे हैं कि आप जब से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में हो या पूरी दुनिया में कि ज़मीन का चक्कर बड़ा ही ख़राब है बाबू भैया, ज़मीन का चक्कर बहुत ही ख़राब है। टू बी ऑनेस्टली आप देख लो पाकिस्तान में जो है वो आप अभी एक तो कश्मीर के ऊपर ये बात चल रही है जो पीओके भी जिसको कहते हैं शायद, तो उसके ऊपर भी बात चल रही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो लद्दाख के ऊपर चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यूक्रेन और रशिया के ऊपर कहानी चल रही है। फिर अब बांग्लादेश बलूचिस्तान आ गया है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान से कह रहा है कि हमारी ज़मीन तुम लोगों के पास है। तो अब समझ से बाहर ये है कि ये लोग क्या करेंगे कहाँ से। अब अगर मतलब कि पाकिस्तान अपनी आर्मी जो है वो मतलब कि उनको डिवाइड करनी पड़ेगी, अगर सपोज दैट के वो अपनी आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हैवी आर्मी, तो फिर इंडिया से फोकस हट जाएगा जैसे कि इस वीडियो में भी कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। अब हमारे यहाँ पर जो मसला बेसिक चल रहा है ना, मुझे यहाँ पर मेजर गौरव आर्या जी की बात याद आ रही है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि डिफेंस ऑफेंस में कि जब दुश्मन के घर में इतनी आग लगा दो कि उसको अपने घर में उलझता रहे ताकि उसको बाहर के मामला का मतलब कि वो पता ही ना चले, ठीक है ना। तो अब वही हो रहा है कि हम लोगों के घर में मतलब हमारे पाकिस्तान में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और हम लोग जो हैं वो बस उलझे हुए अपने मामलात में। सपोज दैट हमारे इलेक्शन हो गए, फिर अब अफगानिस्तान हो गया, ये इसको इसने जो पाकिस्तान के साथ बदले लेना शुरू हो गया है। और एक टाइम ये था कि ये कहते थे कि पीओके मतलब पीओके कहते हैं ना कश्मीर ले लेंगे, ये लेकर देंगे पाकिस्तान को, और वो खुद ही अपनी ज़मीन निकालने के चक्करों में। तो अब आइडिया लगा लो कि ये लोग कितने सग गए। फिर उसके बाद फिर अब अगर हम ये देख लें कि जो मतलब कि चाइना है, चाइना भी इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि जिसको भी देखो वो ज़मीन के ऊपर ही पड़ा हुआ है। और ये ज़मीन मुझे लगता है कि इस ज़मीन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। इसी ज़मीन को अगर हम देखें तो कहते हैं ना कि आने वाले वक्त में अगर हम पीसफुल तरीके से रहते तो सोचो क्या होता, ज़मीन से क्या होता है यार, उनके पास हो या हमारे पास हो, लेकिन अमन होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन लोग इतने भूखे हो गए हैं कि बस ज़मीनों के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा अभी ये हमारे लोगों ने जो किया है उसका वो फल ले रहे हैं। तो इसमें हम तालिबान को भी क्या कहें, हम लोग ही थे वो जो सपोर्ट करते थे और कहते थे तालिबानी हुकूमत पाकिस्तान में भी आनी चाहिए। सो भाई एंजॉय करो और आप लोगों को सबसे पहले घबराना नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन।